सके, जो छोटे छोटे हमारे बिजनेसमैन हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके, हमारे जो कोर सेक्टर्स हैं उन पर ध्यान दिया जा सके। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रभूषण, जो कि जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं और आई फॉरेस्ट के सीईओ हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पूर्णिमा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस सब्जेक्ट पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। जी, तो चंद्रभूषण आप लगातार इस विषय पर काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, एनवायरमेंट को लेके आपके कंसर्न हम आपके लेखों के जरिए जानते रहते हैं। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि जो दोबारा से एक इकोनॉमी को खड़ा करने की बात हो रही है, कोविड के बाद जो स्थिति बनकर आई है जिसने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है पूरी दुनिया में इकोनॉमी को और भारत समेत, तो अब इसको जब हम रीबिल्ड करने की बात कर रहे हैं, उसके पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो सुझाव है कि कोर सेक्टर पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ये जो एक मंदी का जो दौर होगा वो शायद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 था उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। जी पूर्णिमा, अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसे ये लग रहा है कि अभी जो 2020 का जो रिसेशन है वो जी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-08 में थे उससे भी बुरा होगा। और कुछ कुछ जैसे इकोनॉमिस्ट हैं उनका तो ये कहना है कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन था जी उससे भी, जो कि 1928 का, 27-28 का, उससे भी बुरा होने का चांस है। तो हम एक बहुत मेजर इकोनॉमिक रिसेशन में जा चुके हैं। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल प्लान को देखेंगे जो कि पिछले सप्ताह रिलीज हुआ था, तो बहुत क्लियर है कि इंडिया में भी जो रिसेशन है वो काफी होगा। पहले क्वार्टर में रिसेशन काफी था और दूसरे क्वार्टर में भी ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो हिस्टोरिकली हाई लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। लास्ट टाइम जो इकोनॉमी 5% से अधिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 1979 में हुआ था। जी तो ये 40 साल के बाद लोगों ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और पूर्णिमा, मैं आपको बता दूं कि 1979 में जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5.2%, तो हमारे देश में उस समय जनता दल की गवर्नमेंट थी। जनता दल की गवर्नमेंट गिर गई थी, मोरारजी देसाई जी की और चरण सिंह की गवर्नमेंट गिरी थी। हमारी मिड टर्म इलेक्शन हुई थी, इंदिरा गांधी पावर में आए थे। बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट मैं नोट करूंगा कि उसी पॉलिटिकल टर्मोइल में बीजेपी का जन्म हुआ था। जी भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी अप्रैल 1980 में आई थी। तो जो इकोनॉमिक रिसेशन होता है उसका जो, अगर और मेजर जो इकोनॉमिक रिसेशन होता है उसको, उसका देश के ऊपर बहुत पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट होता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारी 2020 की इकोनॉमी इतनी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा और किस तरह से कुछ डिस्ट्रक्टिव, कुछ खराब भी इम्पैक्ट होता है, कुछ अच्छा भी इम्पैक्ट होता है। तो किस तरह से हम खराब को कम करें और इकोनॉमी जो नई बिल्ड हो इस रिसेशन के बाद वो सस्टेनेबल हो, मैंने उसके बारे में काफी चर्चा की है। जी, आप सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करते हैं, इस पर मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी। और आप ये भी बात कर रहे हैं कि जो स्टिमुलस पैकेज है वो ऐसे नहीं है कि जो हमारी पर्यावरण को साथ लेके चल सके, जो सस्टेनेबल इकोनॉमी को बना सके, इस तरह के पैकेजेस देने की जरूरत है। क्योंकि अगर स्टिमुलस पैकेज भी आ रहे हैं, किसी तरह का सपोर्ट भी आ रहा है, तो वो टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहा है और उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। पॉलिसी मेकर सरकार है, उसको इस दिशा में खर्च करें कि उसका इक्वल लेवल पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। एकदम आपने सही बोला। एक बात तो यह है कि जो स्टिमुलस पैकेज है वो गवर्नमेंट बोरोइंग से भी ले रही है, तो जी जो पैसा हम आज खर्च कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन की को चुकाना पड़ेगा। जी जो गवर्नमेंट जो बोरोइंग है, ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट बोरोइंग अब हिस्टोरिकली हाई लेवल पे है। तो सरकार आज के दिन में उधार लेके जो आज की इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कर रही है और स्टिमुलस देने की दे रहे हैं, जो ये माना जा रहा है कि 10% जो हमारी जो जो जीडीपी 10% स्टिमुलस अब तक तो दे चुकी है। जी हाँ, तो इसका पैसा आज के तो टैक्स पेयर को पे करना होगा, लेकिन बिल्कुल फ्यूचर के भी टैक्स पेयर को भी पे करना पड़ेगा। तो हम फ्यूचर से बोरो कर रहे हैं। तो यही मेरा ये कहना है कि अगर आप स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं तो स्टिमुलस पैकेज ऐसा हो जो कि पर्यावरण को खराब ना करे, जी क्योंकि फ्यूचर जनरेशन से हमने पैसा लिया है। जी तो अभी के समय जैसे कि स्टिमुलस पैकेज हम कोल इंडस्ट्री को दे रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि देश में कोयला कोयला है हमारे पास और हमें कुछ कोयले को बढ़ाना चाहिए।
लेकिन आज के दिन में ये सिचुएशन है पूर्णिमा की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर हो गया या विंड हो गया, और वो बैटरी स्टोरेज के साथ अब कोयला से सस्ता हो गया। तो अब हम स्टिमुलस पैकेज कोयला को दें जो कि थोड़ा महंगा है, या उसको दें जो कि सस्ता है और फ्यूचर है। जी तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एक एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ स्टिमुलस को दें, और वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूंगा बाद में कौन से कोर सेक्टर में हो, लेकिन मैंने जो आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि आप स्टिमुलस पैकेज एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ दें, ताकि फ्यूचर में जो आपका है वो ग्रीन इकोनॉमी हो, सस्टेनेबल इकोनॉमी हो, जिसके कारण कि कोविड जैसी प्रॉब्लम भी पर्यावरण का प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज भी पर्यावरण के से रिलेटेड है, उस तरह का प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में ना हो। जी साथ ही आप ब्राउन इकोनॉमी की बात भी करते हैं अपने, तो ये क्या है ब्राउन इकोनॉमी, और किस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो इस जो ये हमारा क्राइसिस है इसमें जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एकदम नीचे ला दिया गया है? देखिए, ब्राउन इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसके कारण कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण कि पर्यावरण का विनाश हो रहा है, जी उसको ब्राउन और ब्लैक इकोनॉमी कहा जाता है। जो इकोनॉमी जो कि बहुत ज्यादा कोयले और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, वो इकोनॉमी जो कि एनर्जी इनिफिशियंट है, वो इकोनॉमी जिसमें कि प्रदूषण बहुत होता है, चाहे वो जी नदियों का प्रदूषण हो या वायु वायु का प्रदूषण हो। जी तो अभी के अगर आप स्टिमुलस पैकेज को एनालाइज करेंगे जो कि भारत सरकार ने निकाला है, पहली बात की बहुत बड़ा पैसा जो भारत सरकार दे रही है वो स्टिमुलस नहीं है, वो रिलीफ है। लोगों को आज के दिन में लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों को खाने को नहीं है, तो ये बहुत मैं अच्छा मानता हूँ कि गरीब जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनकी जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, उनको हमें रिलीफ देना चाहिए। और भारत सरकार उसके लिए काफी अच्छा कर रही है, रिलीफ जा रहा है, लोगों को अनाज जा रहा है, खाना जा रहा है, तो जो पैकेज है उसमें रिलीफ है। लेकिन जो स्टिमुलस है वो मैं देख रहा हूँ कि वो स्टिमुलस है वो काफी कोयला के ऊपर दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया जा रहा है, जो कि कोई ग्रीन इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए जिसके कारण कि पर्यावरण का कम नाश हो। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे कि किस तरह से प्लास्टिक का प्रदूषण बढ़ा है, जी तो जो ब्राउन इकोनॉमी की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो चर्चा है जो इकोनॉमी जो कि आप देख लीजिए 20वीं शताब्दी की इकोनॉमी है, 20th सेंचुरी की पुरानी तकनीक के साथ फॉसल फ्यूल पोल्यूटिंग जो इकोनॉमी है, हाँ उसको हम फोकस कर रहे हैं। अब मेरे अंदाज से उसको फोकस करने की जरूरत नहीं है, अब हमें एक 21वीं शताब्दी की ग्रीन इकोनॉमी बनाने की जरूरत है। जी तो ग्रीन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, और आपने ये भी आप कहते हैं कि रेगुलेटरी चेंजेस ऐसे होने चाहिए कि जो एनवायरनमेंट को भी लॉन्ग टर्म हमारे जो गोल्स हैं उनको देखें, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करें, ये नहीं कि हम शॉर्ट टर्म पर फोकस करें और फिर हम देखें कि उसने हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। एकदम सही है, मेरा ये मानना है कि हमें कोई कोई जल्दीबाजी में रेगुलेटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ सरकार स्टिमुलस दे रही है, कंपनियों को पैकेज मिल रहा है, वो काफी काफी है इकोनॉमी को, जो कि अभी इकोनॉमी जो गिरी हुई है उसको उठाने के लिए। जी कोई ऐसा रेगुलेटरी चेंज ना करें इन पर्यावरण को लेके या लेबर को लेके जो कि शॉर्ट टर्म हो और आपको तुरंत उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और वो इन्वायरमेंटली हार्मफुल भी हो। जैसे कि मैंने लिखा है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 आई है जी उसको लाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम कोविड के समय हैं, इकोनॉमी रिसेशन में है, लोग उस पर डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, और जो 2006 और 2020 का जो लॉ है उसमें काफी फर्क है भी नहीं। तो इस तरह के हमें रेगुलेटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, रेगुलेटरी चेंज हमें सोच समझ के और एक बहुत अच्छा इकोनॉमी बनाने के लिए रेगुलेटरी चेंज करने की जरूरत है। तो इस बात को लेके मैंने ये सजेशन दिया है कि अभी आप कोई रेगुलेटरी ऐसा ना चेंज करें जिसके कारण कि पर्यावरण को नुकसान हो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। आप ये भी कहते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी है वो हमारे लिए एक लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्लान आउट करें, और कौन कौन से ऐसे कोर सेक्टर्स हैं जिन पर आप कह रहे हैं कि ध्यान दिया जाना चाहिए?
मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा पूर्णिमा, क्यों मैंने बोला है कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। देखिए, सरकार अगर इकोनॉमी को रिवाइव करेगी तो बहुत पैसा खर्च करेगी, जी हाँ, और बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत है, बहुत टाइम खर्च करने की जरूरत है, और ये बोरोइंग करके ही सरकार खर्च कर सकती है। सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन कम है, इनकम टैक्स का कलेक्शन कम है, इकोनॉमी बहुत बहुत लचीली है, कमजोर है अभी के समय, तो जो भी होगी बोरोइंग करेगी। जी तो अगर हम सरकार को, जो कि पब्लिक मनी है हम दे रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल को और प्राइवेट इंडस्ट्री को, या इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम कंडीशन लगा सकते हैं जी और हम लॉन्ग टर्म, आप अभी के समय जब आप क्राइसिस में होते हो तो लोगों को बदलाव की एपेटाइट भी होती है, जी लोग बदलाव को एक्सेप्ट भी करते हैं। नॉर्मल इकोनॉमी जब सब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको अपोज करेंगे। जी अभी के समय जो चेंज की जो एपेटाइट है वो हिस्टोरिकली देखा गया है कि लोगों के अंदर चेंज की एपेटाइट अधिक होती है जब आप क्राइसिस में होते हो। तो एक कहावत है विंस्टन चर्चिल का कि यू शुड नेवर मिस ए गुड क्राइसिस। जी आपको एक क्रिटिकल और जो लोग काम कर रहे हैं उनको, उनका मुनाफा अधिक हो, उनकी आमदनी अधिक हो, हमें उस तरह से सोचने की जरूरत है। तो बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म के इस देश में कोई सस्टेनेबल इकोनॉमी बन नहीं सकती जी है। तो एक तो ये है कि हमें अब एग्रीकल्चर सेक्टर को सीरियसली देखने की जरूरत है, क्योंकि अब तक हम इंडस्ट्री को देख रहे थे, शहरों को देख रहे थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर में सीरियस रिफॉर्म लाने की जरूरत है। उसी तरह से एनर्जी सेक्टर में अभी के समय हम एक तरह से देखिए तो हम एक बड़े इम्पोर्टेंट मोड़ पे हैं एनर्जी सेक्टर को लेके। जी आज के दिन में सोलर, बैटरी, विंड एनर्जी सस्ता होते जा रहा है, और जो कि कन्वेंशनल एनर्जी है, जो कि फॉसल फ्यूल है, वो महंगे होते जा रहे हैं। तो अगर हम स्टिमुलस पैकेज एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में लगाएं और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, तो हमारे पास मौका है कि अगले 10 साल में हम इस देश की जो एनर्जी आर्किटेक्चर है उसको हम पोल्यूटिंग फ्यूल से लेके, जो कि पर्यावरण है और बड़े कंपनी है उनकी लिमिटेशन है, वो जॉब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इनफैक्ट ये देखा गया कि हिंदुस्तान में 10 से 15% जॉब है वो फॉर्मल सेक्टर में है, 85 से 90% जो जॉब है वो इनफॉर्मल सेक्टर में। जी तो जो छोटी बिजनेसेस हैं हम किस तरह से उनको प्रमोट करें ताकि वो नौकरियां दें, और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो गांव को और शहर को जोड़ती हैं, छोटी छोटी कंपनियां, तो उसको ग्रीन बनाएं, इफिशिएंट बनाएं। तो इस तरह के हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटी है जो हम हमारी करंट इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म करने की, जी और हमें मेरे अंदाज से इसके बारे में सीरियसली सोचने की जरूरत है। जी आप रेलवे को भी प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे हैं कि जी कंक्रीट के जंगल बनाने की जगह हमें सस्टेनेबल सिटीज बनानी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। जी मैंने इसलिए कहा है कि देखिए, अगर आज के दिन में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि सस्टेनेबल बन सकता है वो रेलवे है, क्योंकि हमने 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 देश की सारे रेलवे को पहले कोयला से डीजल लाया और डीजल से इलेक्ट्रिक किया है। तो आज के दिन में हमारी देश की जो रेलवे की जो अर्थव्यवस्था है वो इलेक्ट्रिसिटी पे जा चुकी है, और जो बिजली है वो हम सोलर और विंड से निकाल सकते हैं, बैटरी स्टोरेज कर सकते हैं, हाइड्रो पावर से ला सकते हैं। तो वो हम कार में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ला सकते हैं, लेकिन ट्रक में लाने में अभी समय लगेगा। और तो मेरा ये कहना है कि इन एनी केस जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो काफी इनफिशियंट है, काफी पोल्यूटिंग है, आपको भी मालूम है दिल्ली में गाड़ियों से कितना प्रदूषण होता है। तो हम अगर रेलवे को प्रमोट करें, मेट्रो को प्रमोट करें, ट्राम को प्रमोट करें जो कि बिजली पे हो और वो बिजली रिन्यूएबल सोर्स से आए, तो वो 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी है, आज के इस जमाने की टेक्नोलॉजी है, और लोगों को कम पैसा भी लगेगा, अफोर्डेबल भी होगा और सस्टेनेबल भी होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जो रोड को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और पूरे मतलब इस देश में इतनी ज्यादा रोडें बनी जा रही हैं, अगर हम रेलवे को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि रेलवे का डेवलपमेंट ब्रिटिश के बाद जिस तेजी से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, बस अब हमारे 70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद थी, तो
रेलवे को हमें प्रमोट करने की जरूरत है। जी, तो रेलवे को प्रमोट करने की जरूरत है, और रोड ट्रांसपोर्ट जिस तरह हम देख रहे हैं कि कितना पोल्यूशन फैलाता है, उसको उस पर फोकस की बजाय रेलवे पर फोकस बढ़ाना चाहिए। साथ ही आपने ये भी कहा कि नेचर में, पर्यावरण में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जी रिवर्स डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन जो है, यानी कि पेड़ अब पौधे और जंगल ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, सॉइल एनहांस और वेटलैंड का जो एरिया है वो बढ़ाना चाहिए। तो जंगल जी हमें अपने बढ़ाने चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं, या कह लें क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ जो हम की बात करते हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी की बात करते हैं, उसे रोका जा सके। और ये जो अगर हम इस तरह से फॉरेस्टेशन भी करते हैं तो ये बहुत सारी लोगों के रोजगार का माध्यम भी बनेगा। एकदम देखिए, अब तक हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी पर्यावरण को विनाश करके। हाँ, जी तो मेरा ये कहना है कि अगर पर्यावरण के विनाश में इतना इतनी नौकरी और पैसा है, तो पर्यावरण को बचाने में उससे ज्यादा है। जी हाँ, अगर आपके आपके आपकी जो जमीन है, वो सॉयल है, वो हेल्दी है, तो आपकी फसल बढ़ेगी। अगर आपका पानी साफ है तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। आपके अगर वायु स्वच्छ है तो आपको बीमारियां कम होंगी। और अगर फॉरेस्ट बढ़ा रहे हैं तो फॉरेस्ट से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है, बैम्बू है, वुड है, हम वुड बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम पर्यावरण को विनाश करके नौकरी चाहते हैं, तो पर्यावरण को बचाने में भी उतनी ही नौकरी, मेरे अंदाज से तो उससे ज्यादा नौकरी। जी तो अब हमें अपने सोच को बदलने की जरूरत है कि अब हम किस तरह से पर्यावरण को बचाने में इकोनॉमी को बढ़ाएं। वो ट्रूली ग्रीन इकोनॉमी होगा, क्योंकि अभी के समय जो है इकोनॉमी ब्राउन इकोनॉमी, वो पर्यावरण को अगर हम पोल्यूटेड करते हैं तो हमें नौकरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है। और ग्रीन इकोनॉमी वो होनी चाहिए कि अगर हम पोल्यूशन ना करें और डेजर्टिफिकेशन कम हो जाए, फॉरेस्ट बढ़े, वायु प्रदूषण कम हो जाए, तो उसमें नौकरी अगर बढ़ेगी तो उसको ट्रू ग्रीन इकोनॉमी कहेंगे। तो जी यही है कि अब जो नई जो हमारी सोच होनी चाहिए कि किस तरह से नौकरी और इकोनॉमी बढ़ाएं पर्यावरण को बचा के, उसको इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्ट इन नेचर नाउ। जी आपको अब नेचर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जी नेचर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और सरकार को भी ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो सपोर्ट करें ग्रीन स्मॉल बिजनेसेस को, जिससे कि जो लोकल स्मॉल बिजनेस हैं उनमें नौकरियों के अवसर पैदा हों, लोगों को जॉब मिले, सप्लाई जो लोकल सप्लाई चेन है उसको बढ़ावा मिले, लोकल स्मॉल बिजनेसेस हैं वो ग्रो करें। एकदम यही हमारी एक छोटी सी सजेशन है सरकार को, मैंने इसके बारे में लिखा भी है, और देखते हैं। जी, तो अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो आप बात करते हैं कि सोशल कैपिटल में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और जब तक हमारा समाज हेल्दी और एजुकेटेड नहीं होगा तो एक और गुड गवर्नेंस के बिना ये सारे बदलाव को में एक्सेप्टेंस और इनमें को लाना उतना आसान नहीं होगा। जी, अगर आप एक्सपीरियंस देखिएगा, चाहे आप चाइना का देख लें, आज के दिन में चाइना से हमारी लड़ाई है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें सीखने की भी जरूरत है चाइना ने कैसे ग्रो किया। या आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को देख लीजिए, वियतनाम को देख लीजिए, या थाईलैंड को देख लीजिए, वो सब हमारे जितने गरीब थे और आज उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे अच्छी है। कम लोग गरीब हैं, और उसका कारण ये रहा है कि उन सभी देशों में जो सोशल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट और गवर्नेंस में जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो बहुत अधिक रहा है। वहाँ पढ़ाई में, हेल्थ सिस्टम में, अगर आप देखिए कोविड का इम्पैक्ट आज के दिन में, तो साउथ ईस्ट एशिया में उतना इम्पैक्ट नहीं है, उनके पास हेल्थ सिस्टम अच्छा है, लोग एजुकेटेड हैं, तो आप कन्विंस भी कर सकते हैं कि आप मास्क पहनिए। तो जितने भी आप बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट ले आए और बड़े बड़े तकनीक की बात करें और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो सब तभी सफल होगा अगर आपके पास एक एजुकेटेड सिटीजनरी है, आपके पास आपके जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं, गवर्नेंस में इंगेज कर सकते हैं। तो विदाउट इम्प्रूवमेंट इन सोशल कैपिटल, हाँ, और विदाउट गुड गवर्नेंस, जो जितने भी रिकमेंडेशन की हमने अभी पहले बात की है पूर्णिमा, जी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है, वो है सोशल कैपिटल और गवर्नेंस।
तो फाउंडेशन स्ट्रांग होने की जरूरत है, सोशल कैपिटल और गुड गवर्नेंस की जरूरत है। साथ ही आपने जिस तरह बात की कि एग्रीकल्चर पर हमें फोकस लाने की जरूरत है, क्योंकि वो सेंट्रल है एक सस्टेनेबल सोसाइटी को बनाने में, उसके निर्माण में। और साथ ही आपने ये भी बात की कि किस तरह से हमें एक नए एनर्जी आर्किटेक्चर की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने बात की कि रेलवे पर फोकस ज्यादा लाने की जरूरत है। जंगल उगाने की, जो पेड़ हमने पिछले दिनों जो अपना टाइम हमने देखा, जिस तरह से जो ब्राउन इकोनॉमी की आपने बात की कि एनवायरनमेंट को इग्नोर करके जिस तरह से हमने अंधाधुंध एक तरह से बढ़ावा दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और फिर उसके परिणाम हमने देखे कि कितना नुकसान उसका हुआ। तो रिवर्स डिफॉरेस्टेशन की या नेचर में, पर्यावरण में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और उसके जरिए कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और स्मॉल बिजनेसेस पे फोकस करने की आपने बात की, सोशल कैपिटल पे आपने बात की। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण, इस विषय पर बात करने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए कि किस तरह से फिर से एक रीबिल्ड की जा सकती है सस्टेनेबल इकोनॉमी। और ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अगर क्राइसिस की सिचुएशन है तो हमें अपनी पिछली गलतियों को भी सुधारते हुए जो मूल रूप से जो फाउंडेशन है उसमें बदलाव लाकर आगे की ओर बढ़ना होगा। और इस दिशा में सरकार को और पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि जो गलतियां पिछले हो चुकी हैं उनको ये सुधारने का शायद मौका भी है, किस तरह से जो क्राइसिस है उसको अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच पूर्णिमा। धन्यवाद।